क्या बोलता है कि आपका एक दिन में प्रीमियम वैल्यू कितना घट जाएगा 24 घंटे में। फॉर एग्जांपल 41,100 का प्राइस, यहाँ पे प्रीमियम कितना चल रहा है 1,141, ठीक है। 12 रुपीज़ का क्या है इसका थीटा है, मतलब एक दिन में 12 रुपीज़ इसमें क्या होगा 24 घंटे में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना, जैसे 27 अक्टूबर का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बहुत दूर का एक्सपायरी देख रहे हैं, जितना पास एक्सपायरी के जाएंगे 27 अक्टूबर से 29 सितंबर का एक्सपायरी में जाते हैं, तो थीटा वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो गया 22 हो गया। अब 29 सितंबर से जब 22 सितंबर पे आता है तो थीटा वैल्यू क्या होगा, 29 हो गया और इंक्रीज हो गया। 29 सितंबर से हम लोग 15 सितंबर पे आते हैं तो अपना थीटा वैल्यू क्या होगा, 71। एक्सपायरी वाले दिन और ज्यादा इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे दिन जाएगा आपका थीटा वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होता है तो आपका प्रीमियम डीके क्या होगा, फास्ट होने लगेगा। तो ऑप्शन सेलर्स वहां पे पैसा कमाए, एक्सपायरी वाले दिन कैसे आउट द मनी सारा जीरो हो जाता है। और देखेंगे कि 1 बजे के बाद में जो थीटा डीके होता है और ज्यादा फास्ट होता है, किस वजह से होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जाएंगे आपका थीटा वैल्यू इंक्रीज होगा। थीटा वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब आपका प्रीमियम उतना ही तेजी से घटेगा। जैसे यहाँ पे 71 है तो एक 24 घंटे में 306 में माइनस हो जाएगा कितना, 71। तो 24 घंटे अगर होल्ड करते हैं तो 71 रुपीज का आपका क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। अगर आप एक ऑप्शन बायर और सेलर है तो 71 का प्रॉफिट 24 घंटे में, मूवमेंट नहीं हुआ तो।